सो भाई जिस बीमारी से आज के डेट पे हर कोई बचना चाहता है उसी बीमारी से मैं जो है आज पीड़ित हो चुका हूँ। सबसे पहले आप ये जो बीमारी है इसे देख लो, फिर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है मेरा प्राइमरी मोबाइल फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, और इसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन जो है डिस्प्ले में आ चुका है। और मैंने खुद इसके बारे में जो है 2 डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि डिस्प्ले में लाइनिंग प्रॉब्लम जो है क्यों आ रहे हैं, और आज जो है मैं खुद ही इसे जो है पीड़ित हो चुका हूँ। मैंने खुद ही ये जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है इसको एक्सपीरियंस किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो नोट 20 अल्ट्रा है, मेरा जो डिवाइस है, उसमें ग्रीन लाइन प्रॉब्लम जो है कैसे, किस तरीके से, किस वजह से आया है, और ये जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है इसका सलूशन क्या है, और जब मैं ये जो फ़ोन है इसे सर्विस सेंटर लेके गया तो उन्होंने जो है क्या एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया है, क्या चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर एक सैमसंग का यूज़र हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है ये मुझे किस तरीके से, किस वजह से जो है फेस हुआ और कैसे फेस हुआ। तो देखो, ये जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है ये मुझे 3 जून को जो है फेस हुआ। 3 जून को ये जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है ये मेरे फ़ोन में आ गया और अचानक से आ गया। अब हम बात करते हैं कि किस वजह से आया। तो 3 जून को ना मेरे पास में एक मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आता है मेरे फ़ोन में। जैसे ही मैं उसे चेक करता हूँ तो जैसे कि हर एक सैमसंग के डिवाइस में आता है मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट, वैसा ही एक अपडेट मुझे शो हुआ जो कि 207 MB का अपडेट था और मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी है उसको ही इम्प्रूव करने के लिए एक अपडेट जो है आया। तो उस टाइम पे मेरे जो फ़ोन है उसमें 45% के अराउंड जो है बैटरी था और मैं उसे जो है इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब ये आप किस्मत कहो या फिर आप बदकिस्मती कहो कि देखो, मैं जो है हर वक्त सोचता हूँ कि कोई भी टाइम जो है किसी भी फ़ोन में अपडेट करने से पहले आज के डेट पर सोचता हूँ कि ये जो अपडेट है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ तभी जाके अपने फ़ोन को जो है अपडेट करूँ। ठीक है, बट उस टाइम पर मैंने मेरे दिमाग से ही ये निकल गया कि सैमसंग के फ़ोन में भी जो डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम है वो आ सकता है बोल के। ठीक है, तो मैं उसे जो है इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में मेरा जो फ़ोन का बैटरी, जब मैंने जो अपडेट है उसे डाउनलोड किया और उसे इंस्टॉल किया, उस टाइम पे मेरे फ़ोन का जो बैटरी का परसेंटेज था वो 40% से 45% के अराउंड जो है उसका बैटरी था मेरे फ़ोन का। जब मैं उसे जो है इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करके जो फ़ोन है नॉर्मली इंस्टॉल होता है, अपडेट इंस्टॉल होता है, रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद में मेरा जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता है जैसे कि एक नॉर्मल फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में वर्किंग करता है, ठीक उसी तरीके से वर्किंग करता है। और ये जो टाइमिंग है ये 9 बजे के अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 9 बजे के अराउंड मैं अपडेट को जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद में मैं अपना जो फ़ोन है उसे यूज़ करता हूँ। मुझे करंटली पूरा फिक्स टाइमिंग जो है याद है कि किस तरीके से मुझे जो ये जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है ये फेस हुआ। मैं रात के 9 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है, यानी 12:20 तक जो है अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ, और रात के 12:20 बजे के तरफ जो है वहाँ पे मैं एक जो है टिकट बुक कर रहा था, ट्रेन का एक टिकट बुक कर रहा था। और टिकट को जैसे ही मैं बुक करता हूँ, पेमेंट करने के गेटवे पे जाता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा जो डिस्प्ले है उसमें एक छोटा सा ग्रीन लाइन जो है वहाँ पे मुझे फेस हुआ। मैं देख रहा था, ठीक है, मैं देख रहा था एक ग्रीन लाइन जो है मेरे डिस्प्ले में फेस हुआ। उसके बाद में मैं जैसे ही उसे टिकट को बुक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं जो है व्हाट्सअप वगैरह को यूज़ करता हूँ, तो जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चला गया। ठीक है, उसके बाद में 2 से 3 मिनट के बाद में मेरे डिस्प्ले में जो है एक पूरा का पूरा ग्रीन लाइन प्रॉब्लम जो है आ गया, ग्रीन लाइन आ गया, और जो ग्रीन लाइन है वो आया और फिर चला गया। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा खटका, मेरे दिमाग थोड़ा सा खटका, और मैं जैसे ही उसे एक बार मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करता हूँ तो उसके बाद में मेरा जो डिस्प्ले है उसमें पूरा का पूरा जो ग्रीन लाइन है वो आ गया, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यही कहानी था बस ये जो ग्रीन लाइन है आने का, और उसके अलावा मुझे और कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी तो ग्रीन लाइन जो है प्रॉब्लम मुझे फेस हो गया, अब मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि ये जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मेरे डिस्प्ले में जो है ग्रीन लाइन प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहला काम जो कि मैंने किया कि अपने फ़ोन को जो है एक बार हार्ड रीसेट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट किया उसके बाद में भी ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे फेस हुआ। तो उसके बाद में मैं कैजुअली जो है जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर मेरा थोड़ा सा अच्छा पहचान है तो मैं सर्विस सेंटर के ऊपर मैं चला गया। सर्विस सेंटर वालों को जैसे ही मैंने ये जो फ़ोन है इसे दिखाया तो दिखाते ही उन्होंने कह दिया कि डिस्प्ले को जो है चेंज करना पड़ेगा और आपको जो है
पैसा ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आया है और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये प्रॉब्लम आया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, सॉफ्टवेयर के वजह से आया हो या फिर हार्डवेयर की वजह से आया हो, ये जो फ़ोन है ये आउट ऑफ वारंटी फ़ोन है, तो हम इसके साथ में अगर कुछ भी रिपेयर करते हैं तो हमें पैसा लेना पड़ेगा। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंगली डिफेक्ट होता तो भी जो है ब्रांड के तरफ से इस तरीके का डिस्प्ले को चेंज करने के लिए वहाँ पर हमें जो है कोई फ्री में जो भी सारा चीज़ें हैं उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे कि वन प्लस अपना ग्रीन लाइन प्रॉब्लम जो भी फ़ोन में आ रहे हैं उनका डिस्प्ले को फ्री में रिप्लेस कर रहा है, उस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन जो है सैमसंग की तरफ से नहीं आया है। इस वजह से सर्विस सेंटर वालों ने पूरा का पूरा कह दिया कि इसके लिए आपको पैसा ही पे करना पड़ेगा। और मेरा जो नोट 20 अल्ट्रा है उसका जो डिस्प्ले का प्राइस उन्होंने कहा वो है 23,000 रुपीज़ पे करके मैं अपना जो डिस्प्ले है उसको चेंज करवा सकता हूँ। और मेरे पास में अभी ऑप्शन है, मैं कुछ दूसरा सोच रहा हूँ। बाकी अभी अगर हम बात करें एक सैमसंग यूज़र के लिए, तो देखो आज के डेट पे आप अगर कोई भी सैमसंग के फ़ोन को यूज़ कर रहे हो ना, तो जून महीने का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है उसको बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब उसको कब करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जून महीने का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा सैमसंग के डिवाइस में जो है डिस्प्ले लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैंने अलग अलग मेरा जो फ्रेंड्स है, हमारा जो कम्युनिटी है, उनमें बात किया, तो सैमसंग का जो जून महीने का अपडेट है उसमें काफ़ी सारे फ़ोन में जो डिस्प्ले में ग्रीन लाइन प्रॉब्लम है वो फेस हो रहे हैं। तो ये जो यही अपडेट है जिसमें कि ये जो ग्लीच है ये आया है और फ़ोन में ग्रीन लाइन प्रॉब्लम शो करवा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करके बताना चाहूँगा कि नोट 20 अल्ट्रा जो है एक 5G डिवाइस है। जैसे कि आप अगर फ़ोन को रिस्टार्ट करोगे तो भी यहाँ पे आपको पॉपअप शो होगा कि नोट 20 अल्ट्रा 5G। जब सैमसंग ने इसे नोट 20 अल्ट्रा को लॉन्च किया था, 5G उस टाइम पे नहीं था, तो उन्होंने नोट 20 अल्ट्रा का जो 5G बैंड है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसेबल करके ही इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया था। क्योंकि सैमसंग के ऊपर में अगर 5G का जो बैंडविड्थ है वो ऑन अगर करवाना है तो वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट से जो है आराम से हो जाएगा। बट उस टाइम पे सैमसंग ने जो है 5G का जो बैंडविड्थ है उसको डिसेबल करके ही लॉन्च किया था, ठीक है। बट जब इंडिया में 5G लॉन्च हो गया तो बहुत सारे जो नोट 20 अल्ट्रा यूज़र हैं उनके जो डिवाइसेस है उसमें 5G जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब अगर 5G मैंने खुद ये प्रॉब्लम को फेस किया है कि मैं जैसे ही 5G रेंज के ऊपर मैं जाता हूँ तो मेरा जो फ़ोन का 5G है वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है, ठीक है। मेरे फ़ोन में 5G नेटवर्क जो है नहीं आता है, जबकि मैं जो है जियो के एप्लीकेशन पे ऊपर में अगर चेक करता हूँ तो मेरा जो सिम है वो भी 5G के लिए कंफर्टेबल है, मेरा जो फ़ोन है वो भी 5G के लिए कंफर्टेबल है, बट जो डिवाइस है उसमें 5G नहीं आता है। तो ये जो है बहुत सारे यूज़र ने जो है सैमसंग को कंप्लेंट किया ट्विटर पे और बहुत सारे जगहों पे कंप्लेंट किया कि हमारा जो नोट 20 अल्ट्रा है उसमें जो है 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब उसका एक सलूशन सैमसंग के पास में ये था कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो बैंडविड्थ को उन्होंने डिसेबल किया था उसको फिर से एनेबल कर दिया जाए। तो आज नहीं तो कल सैमसंग को ये तो करना ही था, क्योंकि 5G डिवाइस है और 5G नेटवर्क जो है काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जून के महीने का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है उसमें ही ये जो ग्लिच है इसके साथ में जो 5G का फ्रीक्वेंसी है उसको एनेबल कर दिया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। और जून के महीने के अपडेट करने के बाद में मेरा जो फ़ोन है उसमें 5G नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आ गया, जैसा कि एक नॉर्मल 5G में आता है, और 5G को मैं यूज़ भी कर पा रहा हूँ। बट जून महीने के अपडेट करने के बाद में ये जो बीमारी है इससे मैं खुद भी पीड़ित हो चुका हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है। आज की डेट पे आपके पास में सैमसंग का फ़ोन है तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए इस चीज़ से। जब तक आप जो है इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि सिक्योरिटी पैच अपडेट को करने के बाद में लोगों को क्या फेस हो रहा है, क्या बग, क्या ग्लिच कुछ भी जो है फेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जो है इंटरनेट पर रिसर्च कर लेना। फिर उसके बाद में आपके फ़ोन में जो अपडेट आया है उसको इंस्टॉल आप कर सकते हो। बस यही एक तरीका है इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग साथ वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।